नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा। आज आपको फील्ड में जब हम आते हैं तो कैसे मेन लाइन और सब लाइन डालना चाहिए और तथा इसमें आपका बैक फरो और डेड फरो कैसे होता है, गैदरिंग और कास्टिंग कैसी होती है, कॉर्नर टू कॉर्नर मेथड कैसा होता है, इन सब की जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड में आते हैं। फील्ड में आने के बाद ये हमारे पास फील्ड है। फील्ड में हमेशा आपको ध्यान रखना है जो आपकी बंड होगी, लास्ट कोने की जो बंड होगी, उस बंड से आपको जो सब लाइन डालनी है वो इतनी डालनी है कि ट्रैक्टर और एम्प्लीमेंट की लंबाई के डेढ़ गुना होना चाहिए या 6 मीटर उसकी लंबाई होना चाहिए, जिससे ट्रैक्टर आसानी से टर्न हो सके। और जब सब लाइन आप डालोगे तो उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब लाइन डालते समय एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे डालना है और जो सब लाइन रहेगी उसकी गहराई आपको कम रखनी है, तथा जो हमारा बंड होगा, बंड की जो आगे वाली लंबाई होगी, यहाँ से लेके बंड तक की दूरी जो होगी वो 6 मीटर या एम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर के लंबाई के डेढ़ गुना होनी चाहिए। ये हमारी सब लाइन है। अब हम लोग मेन लाइन या हेड लाइन यहाँ से डालेंगे। अब हम लोग मेन लाइन हेड लाइन डाल रहे हैं। देखिए हेड लाइन भी हम लोग कम गहराई के ले रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर सीधा जा रहा है और हेड लाइन को मिट्टी को राइट हैंड पलट रहा है। देखिए जब मिट्टी को राइट हैंड को पलटेगा तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आइए ये जो मिट्टी को पलट रहा है वो अनफील्ड है। यहाँ पर देखिए अनप्लाउड जमीन है। ये देखिए ये मिट्टी को क्या कर रहा है, सिर्फ दबा रहा है। जब ट्रैक्टर यहाँ से जाएगा तो ये मिट्टी को इधर पटकेगा, गिराएगा और जब ट्रैक्टर उधर से घूम के आएगा तो मिट्टी को इस साइड की तरफ पलटेगा। ये हमारा बैक फरो कहलाता है। जिसको प्लाऊ नहीं चलाया होता है वो हमारा बैक फरो होगा। ठीक है, अभी देखते हैं ट्रैक्टर पलट के आएगा तो ये सारी की सारी मिट्टी इसके ऊपर ये डाल देगा। सब लाइन डाली है, एक सब लाइन आपको वहां दिख रही है देखिए, और दूसरी सब लाइन ये है हमारी। ये हमारी बंड से लगभग 6 मीटर के लगभग दूरी पे है। इसमें भी हम लोग मिट्टी को अंदर की तरफ पलट रहे हैं। अगर आप मिट्टी को बाहर की तरफ पलटेंगे तो बारिश के दौरान मिट्टी दूसरे खेत में चली जाएगी या बह जाएगी, मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप प्लाउइंग करते हैं और आप जब सब लाइन डालते हैं तो मिट्टी को अंदर की तरफ डालना है। अब देखते हैं हम लोग बैक फरो, तो एक बार और देखिएगा मिट्टी को इधर पलटा। ये देखिए अनप्लाउड मिट्टी है यार, ये देखिए ये अनप्लाउड मिट्टी है। इस मिट्टी के ऊपर प्लाउड वाली मिट्टी अंदर की तरफ आ रही है, ये देखिए पूरा का पूरा। तो ये जो हिस्सा रहेगा ये वाला, ये आपका बैक फरो कहलाएगा। साथ में हम लोग देखें ये जो आपको रो बन रही है, ये बैक फरो के बाद आती है डेड फरो की बहन। डेड फरो होता है वो आपकी गैदरिंग मेथड और कास्टिंग मेथड दोनों में होता है। डेड फरो का मतलब ऐसा फरो जिसमें मिट्टी को भरा ना जा सके। ये आखिरी वाली लाइन होती है, ये देखिए ये जो नाली है, अब इसके बाद प्लाउ चलेगा तो इसमें मिट्टी को नहीं डालेगा, ये हमेशा इस रो में रहेगा या इस फरो में रहेगा। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको दिख रहा है, आप आइए ये सारा दिख रहा है, ये आपका कहलाएगा डेड फरो। कास्टिंग मेथड में भी होता है, गैदरिंग मेथड में भी होता है। वो वह फरो जिसमें मिट्टी को हम लोग नहीं भर पाते, ये हमेशा नाली के रूप में ही रहेगा। आगे हम लोग अब इसी में गैदरिंग मेथड और कास्टिंग मेथड भी देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गैदरिंग मेथड की। गैदरिंग मेथड में जिन फील्ड का एलिवेशन सेंटर से डाउन होता है या गड्ढे में वी के टाइप होता है वहाँ पर हम लोग गैदरिंग मेथड करते हैं। गैदरिंग मेथड में ट्रैक्टर सेंटर टू साइड की तरफ जाता है। सेंटर टू साइड मतलब सेंटर से चलेगा और साइड की तरफ जाएगा। इसमें ट्रैक्टर को हमेशा आपको राइट की तरफ टर्न करना है। जब राइट की तरफ आप टर्न करेंगे तो ये मिट्टी को क्या करेगा, बाहर की मिट्टी को अंदर की तरफ पटकेगा। देखिए अभी हम लोग गैदरिंग मेथड स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ मिट्टी पलटेगा। ये देखिए स्टार्ट करके हम लोग चलाते हैं।
हम लोग कास्टिंग मैटर की बात करते हैं। कास्टिंग मैटर में जिसका एलिवेशन सेंटर से अपर हो, ऊपर की तरफ हो और साइड से लोअर हो, वहाँ पर हम लोग करते हैं कास्टिंग मैटर। कास्टिंग मैटर में ट्रैक्टर बाहर से अंदर की तरफ आता है और ट्रैक्टर को लेफ्ट की तरफ टर्न किया जाता है। हम कास्टिंग मैटर भी आपको बताते हैं, उससे पहले आप ये देखिए गैदरिंग मैटर। कास्टिंग मैटर में हम लोग मिट्टी को बाहर की तरफ पलटते हैं। देखिए ये मिट्टी अभी हमें ट्रैक्टर, अब हम ये चलाएंगे तो ये मिट्टी बाहर की तरफ पलटेगा और जब हम टर्न करेंगे तो ये मिट्टी उधर को पलटेगा। तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ हमें ट्रैक्टर को टर्न करना है। चलाइए, ये देखिए सेंटर वाला एलिवेशन टॉप का होगा वो धीरे धीरे करके लो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसकी मिट्टी को बाहर की तरफ फैला रहे हैं। कास्टिंग का मतलब यह भी होता है कि फैलाना। ठीक है, ये देखिए अब ट्रैक्टर जा रहा है, सीधा आपको दिख रहा होगा, अभी जब पलट के आएगा तो ये उस साइड मिट्टी को पलटेगा। ठीक है दोस्तों, देखो अभी ट्रैक्टर आ रहा है, वो मिट्टी को बाहर की तरफ डाल रहा है। इस तरह अगर ये मिट्टी बाहर की तरफ पलटता है, कॉर्नर टू बाहर से बाहर की तरफ अगर जा रहा है तो आपका कास्टिंग मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।